नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। जहां देश के विकास के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगातार 18 से 20 घंटे तक नियमित कार्य किया जाता है, वह भावी राष्ट्रीय भविष्य के लिए देश के युवा छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा से परिपूर्ण बनाने के लिए तन मन धन सभी कुछ समर्पित किए हुए हैं, वहां शिक्षा विभाग में चल रही कागजी खानापूर्ति के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में है। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने बताया कि शैक्षणिक कार्य के नाम पर शिक्षकों का विलंब से आना एवं जल्दी चले जाना, कभी आना कभी ना आना विद्यालय की परंपरा बन गई है। कक्षा के कालखंडों में सिर्फ एक या दो कालखंड पर ही पढ़ाई होती है, बाकी पूरे समय छात्र छात्राएं पठन पाठन कार्य पूर्ण कराने हेतु शिक्षकों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की जानकारी होने के बाद भी छात्रों के पठन पाठन हेतु न्याय उचित कार्रवाई नहीं की जाती, जो खेद का कारण है। जहां माँ बाप अपने बच्चे को जल भविष्य की कामना लिए ये टकटकी लगाए हुए हैं, बच्चे भी पूरी ईमानदारी से 5-5, 7 किलोमीटर दूर से शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, किंतु पूरा दिन प्रतीक्षा में खपाने के बाद निराशा हाथ लगती है। ऐसी स्थिति में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना कैसे साकार होगा, क्या होगा इन बच्चों के भविष्य का, कैसे होगा इसका उज्ज्वल भविष्य कैसे होगा, हमारे क्षेत्र का विकास कैसे बदलेंगे दुर्भाग्य को सौभाग्य में, जहां शिक्षकों की उपस्थिति एवं उनका उद्देश्य सिर्फ वेतन लेना है, काम करना नहीं, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठे अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों को निर्वहन बखूबी क्यों नहीं कर रहे हैं। विद्यालय प्रभारी द्वारा सभी को जानते हुए भी अनजान क्यों बने हैं, जहन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। ऐसा तो नहीं कि जादुई छड़ी का कमाल हो जिससे शिक्षक गण अपने प्रभारी महोदय को खुश कर देते हों और अपना वेतन ले लेते हों, क्योंकि शासन प्रशासन की मंशा काम के बदले दाम देने की है, फिर बिना काम के दाम संदेह पैदा करता है। अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा देने वाले शिक्षक ही सहयोगी हो सकते हैं। क्लास पढ़ रही हो तुम? हम 11। तुम बेटा? 10। नाम क्या है? नीलम। नीलम कहाँ से आती हो? गाड़ा से। गाड़ा से। कितने पीरियड जिनमें मास्टर पढ़ाने आते हैं, शिक्षक पढ़ाने आते हैं? एक लगता है मैथ का। मैथ का बस, और बाकी पूरे टाइम जो है ना यहाँ वहाँ घूमते रहते हो आप लोग, का प्रतीक्षा करते रहते हो शिक्षकों की, है ना। विद्यालय का नाम क्या है आपके? विद्यालय। ठीक है बेटा, थैंक यू। स्कूल का नाम क्या है? आप लोगों के यहाँ पे कक्षा में पीरियड कितने हैं? पीरियड हमारे 5 है ना। कितने पीरियड में पढ़ाई होती है? दबी आवाज़ में क्यों बोल रहे हो? एक या दो, मतलब एक में होती तो एक बताओ, दो में होती तो दो बताओ। फिर परीक्षा कैसे दोगे जब तुम लोगों के कोर्स ही पूरे नहीं हुए? ना वो परीक्षा तो वो है, तो पता है दे हैं जैसी दे हैं, पढ़ के आ रहे हैं कोर्स से। कैसे रिजल्ट अच्छा बनेगा शासकीय एल राय हायर सेकेंडरी स्कूल बचैया का? उतना बने तब क्या जाए, है ना। अच्छा, पीरियड कौन सा लगता रहा? इकोनॉमिक्स लगता है और राजनीति पॉलिटिकल साइंस, जिसमें शिक्षक पढ़ाने आता था इकोनॉमिक्स और मैथ। मैथ लिए नहीं आते होंगे हमें कब? हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स और आज के लिए इतना ही।